हेलो। हाँ सर, हम हॉस्पिटल से बात कर रहे थे। एक पेशेंट यहाँ पर एडमिट है, उन्होंने बोला है कि उनके डिस्चार्ज का पैसा आप ही से लेने के लिए। कौन सा हॉस्पिटल? हम गाय देंगे, कौन भर्ती है? अरे भाई साहब, ये आदमी बहुत ही डेंजर हालत में यहाँ पर आए थे, अब इनको यहाँ से निकालना है तो इनका जो बिल पेमेंट है सर, वो आप ही को करना पड़ेगा, है ना? सर अरे थोड़ा भाई जल्दी कौन है कीजिए, पहले हमको बताओगे ना, बिल हम चाहिए गाय होगा देंगे। आज। हाँ बता रहे सर आपको क्या हुआ है। आप कल किसी सुलभ शौचालय में गए थे, पेन यूज टॉयलेट में? हाँ गए थे। हाँ भाई साहब, हाँ वहां पर आपने जो कोहराम मचाया है बैठ करके, आप 2 नंबर करने गए थे ना, मतलब आप टट्टी करने गए थे ना। तो क्या तो मतलब सुनिए मेरा, हम एक गए थे। मिनट, तो हमको तो आप जो है वहां पर ऐसा कोहराम मचाया, आपके बगल वाले घर में बैठ करके ये भाई साहब टट्टी कर रहे थे और आपने ऐसा कोहराम मचाया ना, ये वहीं पर बेहोश हो गए। इतनी बदबू थी, बेहोश हो गए, वहीं गिर गए वो ये बोल कौन रहे बे, क्या बकवास कर रहा बे। अरे बिल का क्या होगा, ये सब तो चलता रहेगा, बिल का क्या होगा। अरे तुम बोल कौन रहे बे, बोल सुनिए कौन रहे तुम सुनिए, तो 18,000 रुपए का बिल है, अब इस आदमी को यहाँ से डिस्चार्ज करना है, ये बोला आप ही से पैसे कलेक्ट करने के पगला गए लिए। हो क्या बे, अरे ये पगला गए हो, कौन कहाँ हगा है, कहाँ हम कहाँ हगा है, तो कौन पैसा देगा, मतलब क्या बे। आप 15 मिनट थे तो वहां हम पर, गए, हम 15 मिनट में देंगे। आपने ऐसा काम किया भाई साहब, ये तो ये छोड़िए, अगल बगल 2-3 लोग और बेहोश हो गए मैं भी उनको तो अबे यार पागल हो गया क्या, हम हगने गए, तुम मेरा किसी काम ना लगा के रखे थे क्या, हम गए थे, हमरे हगने से हुआ है, ये गारंटी है क्या, बताओ कैसे हुआ। सर 18,950 हुआ है एग्जैक्टली। हाँ 950, 18,950 हुआ है, जाओ। हेलो हेलो सर, हमारे पास एक अजीब ऑफर है, आप बैठे बैठे पैसे कमाने का। कैसे बैठे बैठे पैसे कमाए, ऐसा होता है क्या? हाँ होता है सर, आप बैठे रहेंगे, लोग आपको पैसे देते रहेंगे और आप पैसे कमाते रहेंगे। भीख मंगवाओगे? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, कल आप एक पेड यूज टॉयलेट में गए थे ना, हाँ गए थे। अरे वहां पर भाई साहब आपने अंदर ऐसा कोहराम मचाया था कि क्या हुआ बुड़बक, जो फिर तुम फोन कर रहे हो उनको, कौन है, कौन है भाई, कौन है? अरे वो नौकरी छोड़ दिया, उसका रिप्लेसमेंट आप है। जो बाहर आदमी बैठा था ना भैया, उसने नौकरी छोड़ दी है, तो अब आप वहां बैठेंगे, पैसा कलेक्ट कीजिएगा, आपका जब मन तब आप टट्टी कीजिएगा, ठीक है ना? तुमको पता हम कौन है बे, तुम परेशान कर रहे हो हमको, बबला का साला है समझे ना, पाओगे ले जाएगा तुमको अंदर, समझे ना। किसका साला है आप? बबला का साला है, आपको शर्म नहीं आती बबला का साला होकर गंदा टट्टी करते इतना गंद पड़ा थी कोहराम कोहराम मचा दिया, आपको शर्म नहीं आ रहा है? हाँ उल्टा जब बाबला, कौन है हंस रहे हो, उल्टे बाबला का नाम इस्तेमाल कर रहे, बाबला का साला। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ भाई साहब, मजे ले रहे थे। अरे प्रवीण क्या आप यार, कुछ मिला नहीं तुमको, गाली मिल रहा है। अब अगर मैं कौन तारीफ रहो सही पहचाने। हेलो बेटा, अंकित बोल रहे हो आप? बेटा मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, मैं सचिन का पापा बोल रहा हूँ। क्या क्या चीज का मुबारक? बेटा आपको मालूम नहीं है, सचिन फेल हो गया है। सचिन फेल हाँ, सचिन फेल हो गया बेटा, आपका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, आप दिन भर उसको मीम भेजते रहते हैं, तो आपके मीम देख देख करके उसका पढ़ाई में दिल लगता नहीं है, और स्पेशली आपने जो मीम भेजा था कि किताब की दुनिया में कुछ नहीं रखा, किताब के बाहर दुनिया है, वो देख करके तो और भी ज्यादा इंस्पायर हो गया, सचिन फेल हो गया बेटा। सॉरी 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 अंकल, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। नहीं नहीं बेटा देखो, इसमें आपकी गलती नहीं, आप तो दुनिया को आनंद दे रहे हो, हंसी मजाक की बात कर रहे हो, मीम भेज रहे हो बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्ती में तो होते ही एक दूसरे दोस्त को। बेटा हमने आपको कॉल इसलिए नहीं किया कि आप सॉरी बोले, ठीक है ना, एक बार ताऊ जी भी आपसे बात करना चाहते थे। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं तो इंस्टाग्राम पे हूँ नहीं, वो सचिन आके मुझे दिखाता है तुमने जो मीम्स भेजे हैं, वो देख देख के मैं लोटपोट हो जाता हूँ। एक काम करते हैं ना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें हम सब रहेंगे, तुम मीम्स फॉरवर्ड करना, साथ हंसेंगे हैं। अरे जीने के है 4 मीम, बाकी है बेकार दिन, है ना बेटा। सॉरी सॉरी ताऊजी, ताऊजी एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। आप जानना चाहते हो सचिन कहाँ है? बेटा छोटा हाथी करके हमने सारा सामान पैक करा दिया है, सचिन को आपके घर भेज रहे हैं, अब वो आप ही के साथ में रहेगा, खाएगा, हगेगा। अरे अपने पापा बहुत चिल्लाएंगे, कलेश हो जाएगा अंकल, प्लीज आप ऐसा मत करो, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। अब बेटा फ्रेंडशिप डे पर फोन नहीं रखूंगा, फ्रेंडशिप डे पर इससे बढ़िया गिफ्ट और कोई दोस्त दूसरे दोस्त को दे ही नहीं सकता। अब दूसरे दोस्त एक साथ हमेशा एक दूसरे के साथ में रहना, मेरी जिंदगी बिगाड़ी मुझको गले लगा के, है कि नहीं बेटा? नहीं नहीं नहीं
नहीं बेटा, आप तीन चार तो मीम अगर हैं अभी तो भेजिए ना बेटा, कोई फेल वाला मीम है तो फेल वाला भेजो, हमको देख के हंसना है, सचिन को फॉरवर्ड भी करना है। नहीं सॉरी सॉरी, हम लोग रख रहे हैं बेटा अभी, ठीक है ना, आप सचिन आएगा थोड़ी देर में तो आप देख लीजिएगा। ओके बाय बेटा। हेलो हेलो, हाँ बेटा क्या हुआ? ताऊजी वो सचिन तो क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा है? सचिन का फोन नहीं, हाँ फोन नहीं लग रहा है। हाँ बेटा उसकी जिंदगी की लग गई, या फोन क्या लगेगा बताओ? मतलब बेटा वो आ रहा है बस आपके घर में थोड़ी देर में, आप दोनों दोस्त मिलकर के साथ रहना। मीम मीम खेलो बेटा, और मीम खेलो। अंकल मैं से नहीं होगा, मैं से मीम वर्ड ही भूल जाएगा मतलब लाइफ से। फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड, हमारे हमारा लप्पू सा सचिन, सॉरी सॉरी ताऊजी, हमारा लप्पू सा सचिन, सॉरी ताऊजी। भाई मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, मजे ले रहे थे हम तुम्हारे। अरे क्या प्रवीण भाई, आप क्या लगाते रहते हो लोगों की यार, ऐसे मत कह दो, मैं टेंशन में आ गया, क्या होने वाला, पापा मुझे पीटेंगे, पिटाई होती। और भेजो बेटा मीम भेजो, आपने उन सारे दोस्तों को इस वीडियो में टैग करना, तो आपको मीम भेजते हैं भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन एडवांस टू एवरीवन, हैप्पी फ्रेंडशिप डे प्रवीण, पूरे हिंदुस्तान को ईद मुबारक। हेलो बेटा, शबाना को जानते हैं आप? शबाना वैसे कौन जनाब आपने? मैं बेटा डायरेक्ट शबाना पे मैं बता रहा हूँ, शबाना के जो वालिद है उनका भाई बोल रहा हूँ मैं। शबाना के वालिद के भाई? जी बेटा, जी तो ऐसा बेटा कि आप शबाना से इश्क करते हैं और आप निकाह करना चाहते हैं, हमें मालूम है, करना चाहते कि नहीं? वो तो अब देखो घबराओ मत, चचा को एकदम हम उम्र समझो, ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे, मदद के लिए कॉल किया आपको, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ तो ये बताओ बेटा, ये बताओ, ठीक है ना, तो घर कब आ रहे हो निकाह की बात करने के लिए? अरे आप इसमें नीचे और पूछ पूछ जिस वक्त बोला बंदा है ना, तो बेटा जब घर पे आओ तो खाली हाथ बताना, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं मिठाई लेके आया करूंगा, ऐसी बात नहीं, नहीं सुनो, हमारे कुछ चीजें हैं जो हमारे में रिवाज है, ठीक है? सो आप बेटा 10 पैकेट खजूर लेके आना, वो चांदी के बरक वाले। 10 पैकेट? परिवार परिवार बड़ा है हमारा, ठीक है, इतना नहीं करोगे? और बेटा अगर हो सके तो 5 से 10 किलो हापुस आम लेकर के आना। हापुस आम, हापुस 10 किलो? यार तुम तो इतने में थक गए, क्या निकाह करोगे हमारी? निकाह कर रहा हूँ पूरी इंडिया को, आप ऐसा लग रहा है बेटा? देखो ये तो गलत बोल रहे हो आप, है ना, ये तो गलत बोल रहे हो आप, करना चाहते हो कि नहीं निकाह? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम, मतलब तो हापुस आम, हापुस आम लाने पड़ेंगे, वो भी 5-10 किलो। हाँ तो हम अभी थोड़ी ना लाने के लिए आपको कह रहे हैं बेटा, ये जो ईद नहीं अगली वाली जो ईद है ना, उस ईद में लेकर के आना आप। अच्छा जी, सो जस्ट मंडे, परसों मंडे को जो ईद? नहीं 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 बेटा, गलत समझ रहे बेटा, आप अगली ईद में जो अगले साल होगी 2021 की ईद होगी ना बेटा, उसमें आना, ठीक है? 2021 की? हाँ बेटा, क्योंकि अभी क्या आपको भी मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो इस वक्त ये सारी चीजें गलत है, घर से निकलना सही नहीं है ना, तो नहीं, नहीं, थोड़ा इंतजार कर लो, शादी तो हो जाएगी, इसमें क्या है ना, निकाह वगैरह हो जाएगा लेकिन एक साल इंतजार करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाए तभी तो हो सकती है। बेटा देखो आप तो मतलब क्या बोले ना, सोशल डिस्टेंसिंग की यार आप धज्जियां उड़ाने में लगा, अभी लॉकडाउन खुल जाएगा लेकिन कोरोना तो नहीं गया ना, हमें मालूम था कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ तो यार गलत हो रहा है। आप अजहर अजहर से 50,000 रुपए लिए थे बेटा तुमने? अजहर से 50,000? हमने हमने सुना कि आप 6 महीने से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसे पैसे लेकर गायब हो गए, आपने उसको दिए तक नहीं, अभी तक फोन भी नहीं उठा रहे, 6 महीने से आपने शक्ल भी नहीं दिखाई है, गलत है ना बेटा? क्या बकवास कर रहे हैं चचा, देखिए आप देखो बेटा, हम बकवास नहीं कर रहे बेटा, और एक चीज बात बताएं तुमको, एक बात बताएं तुमको, बुरा नहीं लगना चाहिए, यही बताए, निहायत ही जलील किस्म के इंसान हो आप, क्या बकवास कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है क्या बकवास? आप एक तरफ चचा कह रहे हैं और आप एक तरफ बदतमीजी से पेश आए जा रहे हैं, आखिर मेरी मेरी सब का इम्तिहान क्यों ले रहे हैं जनाब? मैं
मैं आपके सब्र का इम्तिहान नहीं ले रहा बेटा। देखो बुरा लगने की बात है ये, लेकिन आप जो कर रहे हो मैं वही बोल रहा हूँ, बुरी लग सकती है आपको ये बात, है ना, लगी आपको जैसे। नहीं देखिए एक बात बताएं, मैं अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहूंगा। नहीं बेटा मैं तो बुरा मान जाऊंगा, इसलिए आप मत बताएं मुझे। नहीं नहीं मैं बुरा मान जाऊंगा बेटा, मुझे 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 बुरा लग जाएगा बेटा। सोशल डिस्टेंसिंग 50,000 अजहर से दूर और शादी हमारी। कौन सा 50,000, कौन सा अजहर, कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें ये पता है, 50,000 कहां से आ गया, कौन सा अजहर है, कौन सा अजहर है यार, आपको समझ में आ रही है? आपको हंसे जा रहे हैं वहाँ पे, आप लिहाज कर रहे हैं और मतलब रिश्ते के लिहाज है, मतलब क्या मोनोलॉग चल रहा है भाई। मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, मैं आपका मुर्गा बना रहा था। मैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इनफैक्ट दुनिया भर में जितने भी हमारे दोस्त हैं उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इतना ही कहना है कि इस बार मुसाफा ना करें और गले ना मिले। ओ नो, अरे प्रवीण भाई अभी तो मैं बस क्या बताऊं, मतलब मैं सूझ जाते यार, अभी ऐसी हालत खराब है, 50,000 मैंने किसके लिए, लोग खाने को तरस रहे यार। बस लॉकडाउन के नियमों का पालन करें इस बार, चलिए मिल करके हम सब घर वाली ईद मनाते हैं, इस बार घर में मनाते हैं, मुफासा ना करें, गले ना मिले। बिल्कुल एकदम, गले ना मिलना, मुफासा नहीं करना, सबसे जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सब लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो सन्नी जी। हाँ जी। जब इंसान झूठ बोलता है ना तो उसकी नाक गर्म हो जाती है। लेकिन सन्नी जी क्या आप जानते हैं पूरी रात में एक इंसान 40 बार करवटे बदलता है। 40 बार दोबारा फोन मिला इनको, दोबारा मिलाते हैं भाई। हेलो सन्नी जी क्या आप जानते हैं एक, मान जाओ भैया, एक नाम सन्नी है, मैं वो नहीं हूँ। एक मच्छर जो है वो 300 दिमाग खराब कर रहे हो, कौन बोल रहे हो? सन्नी जी एक मच्छर 300 से 600 बार अपने पंख फड़फड़ाता है, इसीलिए वो भिन्न भिन्न आवाज आती है। तभी मैं कहूँ। हेलो सन्नी जी, जब इंसान छींकता है ना कभी भी अपनी आंखें जो है ना खुली नहीं रख सकता, नोटिस कर लेना। क्या हाँ सही कह रहे हैं यार, देख वो सनी नहीं, नहीं बंद हो जाती है, होए गए ही नहीं, नहीं और ठीक ही नहीं आ रही भाई भी। सन्नी जी मेरी बात सुनिए, पूरे विश्व में सबसे छोटा है, पूरे तुम हो फालतू लोग, पूरे विश्व में अरे फोन रख, पूरे विश्व में सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है यार, बात ही नहीं सुन रहे तेरी पूरी। हेलो वहाँ मात्र 501 लोग रहते हैं, ऐसे सुना करो बात, मैं वो सनी नहीं हूँ। आदमी सबसे काम लाया है सन्नी जी, आदमी सबसे जल्दी डिसीजन लेता है जब वीडियो गेम खेलता है। सन्नी जी एक इंसान का भी अपनी कोहनी खुद नहीं चाट सकता। एक मिनट मेरा भी मुंह नहीं जा रहा, कोहनी खुद नहीं, कोहनी 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 पीछे पड़ गया। सुनिए सन्नी जी एक, अरे यार हेलो सन्नी जी सुनिए, तुम लोग हो पागल, तुम्हारी और सुनो सन्नी जी सुनो क्या आप जान अरे कोई सन्नी जी को बताओ कि हम उनका बैंड बजा रहे हैं, उनके दोस्त ने नंबर दिया, कहा कि इनको ज्ञान देने की बहुत आदत है लेकिन लेने की नहीं है, तो हमने दे दिया थोड़ा सा। हेलो पियाली से बात हो रही है हमारी। हाँ यू आर इनटू मॉडलिंग राइट? यस पियाली आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम agency and there is a new project which is coming up and uske liye hame kuch models chahiye thi and that is the reason why we have got in touch with you. Oh that's great. Can I know what this is about? Right. Isme na pehla scene aisa hai ki aap जिस शूट के लिए आएंगी तो आपके ऊपर में बहुत सारे लोग झपट पड़ेंगे, एकदम दंगल वंगल टाइप में होगा, तो हो सकता है उसमें आपके कपड़े थोड़े इधर उधर से फट जाएंगे, बिकॉज जो लुक हमें चाहिए ना वो काफी रगेड लुक है। अच्छा राइट दैट इज द फर्स्ट थिंग। हाँ जी उसके बाद में ऐसा है कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में आपको खड़ा रहना पानी के अंदर में। ऐसा कोई सीन है क्या? Where I have to wear a swimsuit and all that? नहीं 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 आप तालाब के पानी में रहेंगे और उसमें दिखाई भी नहीं देता क्योंकि तालाब का पानी थोड़ा गंदा रहता है, मिट्टी कीचड़ वगैरह लगेगा आपके शरीर में। ये कैसा टाइप का शूट है? पानी में
जी? आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसा टाइप का शो है फिर? हमें एक्चुअली पानी में भैंस दिखानी है। मैं आपको भैंस दिखती हूँ, मेरा टीवी देख के आपको मेरे को भैंस दिखा। हम लोग अगर रियल भैंस दिखाएंगे तो वहाँ पे लाइट्स वाइट्स का भी इस्तेमाल होगा ना, तो पीटा वाले बोलेंगे कि जानवरों पर लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ दैट इट्स जस्ट टाइटल, गेट सम गर्ल्स हु आर गोना बी मॉडल्स और उन लोगों को भैंस बना दो। कैसा कंपनी है ये, कहाँ का कंपनी है ये? ये सवाल आप अब पूछ रही है, हमारा इतना टाइम बर्बाद करने के बाद में आप पूछ रही है? डू यू नो हाउ बिग एन एजेंसी वी आर? आई डोंट Care what an agency this is. If you're calling your models bhais, then kaisa agency hai ye? Kahan ka agency hai ye? If you're not comfortable, then let us know on our face. Koi nahi karne wala aapke liye. Dekho, ye shoot hoga, proper shooting hogi iski, ye TV par aayega. Main aapki jankari ke liye bata dun, ye Discovery Channel aur Animal Planet pe aayega. Animal Planet ke liye? Aapko dikhaya jayega. Bhaiso ki zindagi mein bahut takleef hoti hai. Aap sachi mein itna time waste kisi ne nahi kiya hai. भैंस वो प्राणी है जो गर्मी लगने पर पानी के अंदर चला जाता है, बस उसी टाइम में आपको ऐसे वॉक करके ये बात करने के लिए कि मैं मॉडल बनूंगी और आप उसको भैंस बुला रहे, बोले कि मैं एनिमल प्लेनेट में आऊंगी। और वॉइस ओवर आएगा पीछे, भैंस आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर की तरफ बढ़ रहा होता है पानी के अंदर उसके शरीर की कोशिकाओं में। आई विल नेवर डू समथिंग लाइक दिस। अरे हम तो लेंगे भी नहीं आपको। आपने कहा था कि आप ऑफिस में, आप ऑफिस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हैं? मैं इस तरह की गंदी आवाज में बात कर सकती हूँ? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग मुर्गा बना रहे थे। टाइम देख के किया करो। ठीक है, अगली बार टाइम बता देना, टाइम देख के ही करेंगे हम। हेलो जी, नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करें और एक एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ, जल्दी करिए। अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर एक दबाएं। पहला मुहावरा है अपने किए किराए पर डैश फेर देना, पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो सर आप फेरते कहीं नहीं हो बे? ये कौन है, ये कौन है? हेलो, कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला, कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर, 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा लेकिन कौन बोल रहा है भाव पहले, ठीक है? क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा, दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना, अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए किराए पर पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा है? ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है कि ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है? गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? गाली गलौज का इस्तेमाल ना करे इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे पीछे, अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा, मुहावरा की पहले बताओ दूंगा मैं कौन है। एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते हैं सर ये आपसे। सुनो बताइए, आया ना लाइन पे, मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, एक अनार कितने बीमार? एक अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। एक बार नहीं, 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए किराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे। तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे, गाली गलौज किए जा रहे सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर, समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए? 1000 रुपए काट रहे, 1000 रुपए मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सुनो, हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से, हाँ बताएं, क्या काम है? मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जैसे बताया, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं, नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं, एक मग्गे में सारा काम करते हैं। ये करना भी चाहिए, देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना हमारे बच्चों। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए किराए पर पानी फेरा है? लाइन पे अपने किए किराए पर पानी फेरा है कभी? करके तो सर लगा चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम। तुम्हारी भाई मुंह पे रख दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा।
कौन बोल रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपको मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं, एक दो बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। दोस्त का नाम बताओ। गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑनर होगी सर। सामान चोरी हुआ था ना आपका ट्रेन से? हाँ जी। क्या क्या था उस बक्सा में, आपको याद है? मेरे कुछ कपड़ा था और कुछ डॉक्यूमेंट था। था एक बात बताइए हमको, आपको इतना सा भी शर्म आया? आप बोल कौन रहे हो? हाँ, वो बोल रहे जिन्होंने आपका बक्सा चोरी किया था। आप सोच रहे कि अभी नंबर हमारा ट्रैक करेंगे और पता करेंगे तो कर लीजिए, जो ना हमारा लीजिए। हालात टूट गया, इसी में कौन ही सब सामान लेकर के जाता है इसे? जनरल का टिकट कौन रहा भाई? कान में क्या लगे बैठे? सामान मुझे वापस करो। अरे तुम्हारा सामान मुंह पे फेंक के मारने लायक भी नहीं है तुम्हारे चिंदी आदमी कन्या। इतना सुंदर तो बैग, हमको लगा साला बहुत कुछ मिलेगा अंदर में, फिर देख रहे कि साला बैग के अंदर कुछ है ही नहीं है। कंगाली रुका है, कहाँ से बोल रहे हैं? हम तुम्हारा औकात से बाहर से बोल रहे हैं। अबे साले तुम चुप रहे, तुम चुप रहे, तुम्हारा बोलने का औकात नहीं है। लुंगी में चाट छेद रखने वाला आदमी हमारे सामने बात करेगा वो के मेरे को बोल रहे? तुम्हारा बैग में क्या मिला बे? चाट लुंगी मिला, गंजी, गंजी में 3 रोशनदान बना के रखा है। पुलिस का जब डंडा पड़ेगा ना तब तुमको समझ में आएगा। सुनो, पुलिस तुमको डंडा मारेगा, मेरा बैग वापस करो। तुमको ऊपर वाले को वापस कर देते हैं, एक ही नमूना बनाया था तुम्हारा जैसा, ऐसा ही सामान कैरी करना था। जनरल में ढूंढते तो इतना मेहनत करके 2 एसी का टिकट कटवा के हम चोरी किए? चोर तुम्हारा नाम ब्लैकलिस्ट कर देंगे चोर कम्युनिटी से। 10 जब चलता नहीं होगा भाई साहब, मुंह तुम्हारा पिंपल से भरा हुआ मुंह। वीडियो कॉल कर रहे थे लड़की को एक ही दो एंगल से ट्रेन में बैठ करके, उस एंगल से बहुत सुंदर दिखोगे। गीला अंडरवियर खाए रखते हो बे बैग में, पूरा कपड़वा सब महक गया, क्या करते हो बे? छी। हेलो भाई साहब, आपकी जो बैग चोरी हो गई थी राइट? हाँ राइट राइट, मैंने कंप्लेंट किया था पुलिस को। क्या समझे हो, क्या क्या हो गया सर? सामान तुम कैरी करते हो अपने बैग के अंदर में, एंड देन चाहते हो कि पुलिस अपना वक्त बर्बाद करे और तुम्हारा बकवास सा बैग ढूंढे। सर पुलिस का काम है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे बैग में था क्या बे? मेरा सामान है, सड़ा हुआ अंडरवेयर, मेरे डॉक्यूमेंट था। डॉक्यूमेंट था? चोर जो तुम्हारा बैग चोरी किया था वो खुद लाके दिया हमको, रो रहा था मेरा सामने, गीला अंडरवेयर था पूरा का पूरा, पुलिस चौकी में का दिया तुम्हारा बैग। मेरे बैग मेरे को प्यारे है, आप मेरे बैग दे दीजिए। वो पेनड्राइव तुम्हारा है? पेनड्राइव मेरा ही होगा। पेनड्राइव के अंदर क्या क्या तुम फाइल लगता है? रेशमा की जवानी, हाँ वो तुम्हारा था ना? ये मेरा नहीं था। एक तो अच्छा चीज था, वो भी इसका नहीं है, बहुत बड़ा आपको छाप आदमी। मेरा नहीं होगा फिर, वो कपड़ा उसी का डाल दिया होगा उसने। अरे हम काहे अपना कपड़ा डालेंगे, हमारा फंड का कपड़ा है। पुलिस स्टेशन आकर हम देख लेते हैं सर। मंगला हाट से खरीदा हुआ कपड़ा तुम्हारा? वो बोलो नकली ब्रांड का। एक मिनट पुलिस वाले सर, आप तो चुप रहिए, जब चोर बात कर रहा था आपका बीच में घुस रहा है। समझ में यार, हम चोर से बात कर रहे हैं, पुलिस से बात कर रहे हैं। अरे चोर पुलिस सब मिला हुआ भाई, सब मोसेरा भाई है समझे? बैग नहीं चाहिए भाई मेरे को, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो बैग तो बैग वैसे भी मिलेगा नहीं, बैग खोया हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैग में गीला अंडरवियर खाए रखे थे? मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। सुनो मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, हमको ठीक ठीक पता है तुम्हारे बैग में गीला अंडरवियर। मेरा नहीं होगा, चोर का होगा। चोर ने अपने गीले अंडरवियर रख दिया। वाह भाई वाह। हेलो मैडम, आपका साड़ी थोड़ा सा उठा लीजिए। आपका साड़ी थोड़ा उठाएंगे? आप क्या थप्पड़ खाएंगे? कौन है आप, ऐसे बदतमीजी कर रहे मेरे साथ? साड़ी उठाएंगे आप? चुप रहिए आप, साड़ी तो अपना उठाइए पहले, ठीक है? रखिए फोन, हम बात नहीं करेंगे। रखिए फोन। क्यों, क्या हो गया? कौन इतना बदतमीज इंसान है आप? थोड़ा सा उठाइए बस, थोड़ा सा, सुनिए ना, थोड़ा सा साड़ी उठाएंगे आप, पुलिस बुलाएंगे हम। रखिए फोन। हेलो हेलो मैडम। हाँ कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब को तकलीफ दिया मैडम। कौन से साहब को, कौन बोल रहे हैं? मेरे साहब ने आपको कॉल किया, बोला थोड़ा साड़ी उठा लेने को, आप गाली दिया आपने उसको। ये बार चीज तो अपना देना, छवाई के एकदम कोमरे दोरिये दे जेले पाठो। के फोन करते हैं मैडम, मैं आपका तकलीफ समझता हूँ लेकिन आप हम लोग का तकलीफ भी तो समझिए, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए। आप फिर से वही बात कर रहे हैं, आप इतना खिलौना बात कैसे कर सकते हैं? मैडम देखिए, आपको भी तकलीफ नहीं होगा मैडम, थोड़ा सा तो उठा ही सकती है ना। लोकेलिटी में आइए ना, आपको हम देखते हैं, आप कौन है? कौन? अरे हम जो भी है बस इतना कह रहे हैं, थोड़ा सा साड़ी उठा लीजिए, इसमें तकलीफ क्या है आपको? अभी अभी आपका ना हड्डी पर क्लियर कर देंगे हम। रखिए फोन। हेलो मैडम। हेलो, आपके नीचे में जो पड़ोसी है ना, उनके घर से बोल रहे थे, आपकी साड़ी बालकनी से लटक रही है वो नीचे तक, इसीलिए कह रहे थे साड़ी थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। अरे यार अरे नहीं, लेकिन मेरे तो बालकनी से कोई साड़ी लटक ही नहीं रहा। तो मैं कौन सा आपका पड़ोसी बोल रहा हूँ? मैं तो आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मैं मुर्गा बना रहा। मैडम थोड़ा साड़ी उठाएंगे फिर पड़ेगा आप लोगों को थप्पड़। हेलो
मेरा नाम दीपाली है जी, आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? चिल्ला चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? आप है कौन? आप मैंने क्या किया? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, तात थी, शिफॉन थी और गेंजा थी, लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैंने क्विंट पहन रखा है? तो उससे प्रॉब्लम तो उतरवा दी तुमने साड़ी? एक मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना? और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैंने क्विंट बन के खड़े रहते हैं लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरोसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में। आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी। पहली बात क्या है? दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है। तो आपका वो काम है ना, तो आपने मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा चेहरा। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिकर भी नहीं है। दिमाग बोल लो, बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रायन लारा लगेगी। जो मैंने क्विंट की साड़ी निकाली उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रयू साइमन जैसे होट लेके घूमती है भाई। मत कर, मैं बता रही हूँ बार बार, तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो, हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा हूँ। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस फैमिली डूड? बेटा तुमने गालियां दी थी उसे, बहुत वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में, वहाँ पे तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारी लिए। तो शादी का मौका कब का निकल रहा है? हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी। आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी के बाद पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना चाहते हैं कि शादी में जरूर जरूर आना, मैं तीन चार नाम बता दो। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किन के किन के नाम लिखना है? परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे बताओ, शादी कहाँ पे? दिस इज गोइंग आउट ऑफ हैंड नाउ, प्लीज कैन यू जस्ट स्टॉप दिस मैडनेस? आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी, आप अपने पोते को समझाइए पहली बेटा। बात ये बिरजू की दुकान है, तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे लग गए चुपचाप से दिमाग। अभी आई लाइन पे हाँ बेटा, थोड़ा और हंस क्यों रहे हो? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण यार प्लीज यार, क्या बेटा शादी कर लो बेटा, तो आके मिलूंगी। हेलो, दीपक जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं, कौन? हाँ जी, हम लोग ट्रांसपोर्ट ब्रिज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बात कर रहे थे। आपकी हाइट 5'8" और वजन तकरीबन 85 किलो, 85 kgs, राइट? हाँ जी बिल्कुल जी। तो सर आप जरा हमारी ऑफिस आ जाइएगा, आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा। कार्ड थोड़ा हम कोलकाता के ब्रिजेस को सेफ रखने के लिए ब्रिज पर किसी भी 85 kg से ज्यादा वजन के इंसान को अलाउ नहीं कर रहे हैं एट अ टाइम। तो आपकी गाड़ी में सिर्फ आप ही ट्रेवल कर पाएंगे 85 kg वजन जो आपका है वो लेकर के। हाँ जी सर, प्रॉब्लम में डाल दीजिए क्योंकि मुझे तो ऑफिस जाना पड़ता है हर सुबह को, मैं तो मेरी बीवी के साथ रहती है, तो क्या करें? सो आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रिज पर चढ़ने से पहले अपनी बीवी को उतार दीजिएगा। आप जब ब्रिज पार करके उस साइड जाएंगे, वहाँ से अपनी बीवी को कलेक्ट कर लीजिएगा और बीवी पीछे से बस ऑटो टैक्सी कुछ भी पकड़ के आ जाएगी। बीवी को कलेक्ट करने मतलब पार्सल है क्या मेरी बीवी? थोड़ा सोच समझ के बात किया कीजिए, किसी की बीवी के बारे में बात करें। ठीक है ठीक है, आप वैसे भी मतलब क्या है बीवी में क्या रखा है वो? अबे साले अपना मुंह संभाल के बात कर, ठीक है? बीवी के बारे में बात कर रहे तू। देखिए भाई साहब, अब और तो कोई उपाय नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। आपको एक ही जन अलाउड है ब्रिज के ऊपर में, तो या तो आप उतरिए या आपकी बीवी को उतारिए। वैसे भी शादीशुदा जिंदगी में क्या रखा है सर, इतना कष्ट है आपको बताइए। ऑफिस से घर रिटर्न करते फिर आपको बर्तन धोने पड़ते हैं। अरे अपना मुंह संभाल, ठीक है? कब से क्या क्या बोले जा रहा है? सच बोल दिया तो आपको ऐसे बुरा लग गया, बर्तन धोने पड़ते हैं, सुबह आपको झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है 3 BHK फ्लैट में आपके? बहुत ज्यादा बोल रहा है, ठीक है? लास्ट संडे आपने दिमाग क्यों खा रहा है तू? लास्ट रविवार आपने खिड़की भी साफ करी है। अबे साले इतना सारा कैसे मालूम है? सर आपका बेटों में कहाँ पे क्या हो रहा है तेरे को कैसे मालूम? आपका सर आधार कार्ड लिंक है ना सर, तो उससे सब पता चल जाता है कि आप क्या क्या करते हैं। आप करते ना बर्तन धोना वगैरह? मेरा सीसीटीवी लिंक नहीं है। एक मिनट सर, ऊपर से 5 नंबर फाइल निकालना, 5 नंबर। हाँ सर।
अच्छा सर, सर रिपोर्ट देखिए सर, रिपोर्ट देखिए कल का, ये इसमें लिखा हुआ है, नंबर निकाल रहा है तू, काल का क्या क्या खबर निकाल रहा है तू, ये संडे को लिखा हुआ है कि संडे को आप सर पंखे भी साफ करेंगे, ऐसा कुछ है क्या प्लान सामने मेरे, तो आप मेरे सामने अजय दिल पे आंसू के बताइए दीपक जी, आपको करना पड़ता है ना ये सारा काम, अबे साले तेरे को क्या, बीवी मेरी है, घर मेरा, मैं जो करूं तेरा और सर आपको हर दो दिन में एक बार बीवी के पैर भी दबाने पड़ते हैं, साले मैं तेरा गोला ही दबा दूंगा। आपकी बीवी ने कहा था आपका मुर्गा बनाने के लिए, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और आपकी बीवी ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, हम माइंड नहीं करेंगे, आप जब माइंड नहीं कर रहे सारा काम कर रहे हैं, बीवी कैसे बोल रहे हैं मोटी सारी फसाद की जा रही है। हेलो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हाँ जी बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ऐसी है कि टट्टी करने भी जाता है तो बैठेगा नहीं, झुकेगा नहीं, खड़ा खड़ा ही टट्टी करता है, लूज मोशन की दिक्कत हो रही है क्या, नहीं झुकने की दिक्कत है, वो झुकता नहीं है, क्लिनिक लेके आइए ऐसे तो फोन पे बताना तो नहीं, हमको देखिए प्रॉब्लम समझ में आई है उसके जो लग रहा है, क्या? लड़के का नाम प्रेम है, प्रेम का पर्यायवाची प्यार है, अच्छा आपको मालूम है प्यार कभी झुकता नहीं है, क्या मजाक उजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर, प्यार की बीमारी है, प्यार झुकता नहीं है इसीलिए झुक नहीं रहा है, अब बोलिए कोई उसके नहीं मार पा रहा है, झुके तो कोई मारे उस बाप ही मार लेंगे, रखिए भाई साहब फोन यार आप। हेलो हाँ बेटा, ऐसा है कि हमारा लड़का जो है वो इधर उधर बेटा धक्के खाता है, गिरते रहता है, देखिए अभी फिर धक्का खा, अरे फिर अरे इसको बैठा के रखो, उसको दिखाए खाए कुछ नहीं देता बेटा, दिन भर चलते रहता है, टकराते रहता है, देखो फिर अरे सामान कलम जला कलम फोड़ता, घर का सामान फोड़ दोगे तुम, अरे तो आप आँख के डॉक्टर को दिखवाइए ना उसे, बेटा रहता है, अरे नहीं हमको बेटा मालूम है उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है बेटा, उसको प्यार हो गया है, प्यार अंधा होता है, अरे हटाइए अंदर पेले उसे, बदतमीजी कर रहे हैं क्या अंदर पेले, डॉक्टर साहब बहुत फ्री का टाइम है आपके पास, मीठी गोली मिलेगी, हाँ मिलेगी, लेटोलिन बैटोलिन डोपामाइसिन। हेलो देखिए हमारे लड़के की बहुत दिक्कत हो रही है डॉक्टर साहब, चिल्ला रहा है हमारा लड़का, पगला गया है, हमको लग रहा है डॉक्टर साहब अब इसको गोली मारनी पड़ेगी हमें, क्यों बार बार फोन कर रहा हूँ, अरे गोली मारनी पड़ेगी अब इसको, एक मिनट रुकिए डॉक्टर साहब, आप खाली फोन में रहिएगा। हेलो हेलो हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, क्या 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 जी, हमने उनको गोली मार दी है, प्यार में दिल पे मार दी गोली, ले ले मेरी जान, कोई बॉडी चाहिए क्या, डेड बॉडी आपके क्लासेस वगैरह के लिए, देखिए हम भिजवाते हैं आपको अभी डेड बॉडी, और साथ में वो जहाँ पे गोली मारी वहाँ पे सिलाई कढ़ाई करवा के भिजवा दे रहे हैं आपको, ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं हमें नहीं चाहिए, अरे आप एक तो आपने इलाज नहीं किया हमारे लौंडे का, तो हम क्या करेंगे, ऐसा खटारा पीस लेकर के मार दिया गोली, मेरी गलती, अगर उसको दिखाई नहीं देता ये नहीं होता वो नहीं होता, आपको इलाज करना चाहिए था, आप तो मजाक करने पे लगे हुए हैं, बहुत फालतू का टाइम आपके पास में, मजाक कौन कर रहा है, आप कर रहे हैं मजाक, अरे मजाक कर रहे हैं, ये हो गया जेल होगी अब आपको डॉक्टर साहब, देखिए जेल आपको चक्की पिसाया जाएगा इसे, अरे जाइए आप फर्जी बातें कर रहे हैं क्या। रेड एफएम से बोल रहा हूँ आरजी प्रवीण, और हम आपको मुर्गा बनाने थे इसीलिए लैंग्वेज पर हमारा कंट्रोल नहीं था, अरे यार गाली वाली हटा दीजिएगा प्लीज भाई प्रवीण सर, तू डॉक्टर लोग गाली नहीं देते क्या, अरे नहीं हेलो सुशांत बात कर रहे हैं, हाँ जी, वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम अ कंसल्टेंसी, वी हैव अ जॉब जहाँ पर आप ज्वाइन डायरेक्टली एज अ बॉस, अच्छा, लुकिंग फॉर अ जॉब राइट नाउ, डिपेंड्स अपॉन द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ह्यूज 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 अपॉर्चुनिटी, एंड आपको सिर्फ एक नंबर हम देंगे उस पे 300 रुपए पेटीएम कर देने हैं, अच्छा ठीक है, और आपको जॉब ऑफर की जाएगी गारंटी के साथ में, एंड आप सबके मालिक बनेंगे, यू विल बी द बॉस, सो व्हाट्स द जॉब रोल लाइक, आप मालिक बनेंगे, अरे मालिक मतलब क्या, आई मीन थोड़ा सा बताओ कितने बंदे, क्या प्रोफाइल, सबसे मालिक बोले जा रहा हूँ सर, व्हाट इज द सीन, अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे, इट इज काइंड ऑफ अ जोक, आर यू सीरियस, मर्जी के मालिक आप बनेंगे, इसके लिए 300 रुपए आपको हमें देने पड़ेंगे पेटीएम में, आई मीन क्या क्या चल रहा है ये नाटक, हेलो सुशांत जी, हाँ सुशांत मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ जी, हम लोग पहला जो सर्विस है ना सबको एस्ट्रोलॉजी का फ्री दे रहे हैं, सो वी गॉट योर नंबर फ्रॉम अ डेटाबेस, और मैं आपको एक एस्ट्रोलॉजी का सबसे उपयुक्त चीज बताऊंगा जिससे आपको जॉब मिलने में बड़ी आसानी होगी, जैसे आप अपने नाम के सामने सुशांत के सामने नंबर 1 लिखा कीजिए, जैसे कि आपका नाम है सुशांत तो आप लिखिए 1 सुशांत, 1 सुशांत, हाँ मैं समझा नहीं, फिर से बताओ, आप 1 सुशांत जब लिखेंगे ना सबका मालिक एक है तो आप भी मालिक बन जाएंगे, काइंड ऑफ अ जोक, और तब से यार मालिक मालिक जा रहे हो, फालतू की टाइम कोटी कर रहे हो, फोन सा
आपका? देखिए आप इस तरह से गुस्सा ना करें, वो हमारे स्वामी जी हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए आपके 13 दोस्तों का। 13 दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप? जी, और आप उसके एडमिन बनिए। चल क्या रहा है यार, ये क्या चल रहा है? ए मालिक 13 बंदे हम। फट साले, सुबह सुबह मस्ती कर रहे हैं। वो आपने क्या कहा, क्या मस्ती? नया लगा रही है अभी। फोन रखेगा? वो तो आप भी रख सकते हैं, है ना? आप हमको क्यों बोल रहे हैं फोन? हेलो, क्या आप 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? तो बीप के बाद एक दबाए। आपका कॉल ट्रांसफर किया जा रहा है, कृपया लाइन पर बने रहे। हेलो, हेलो, बोलिए। अरे वो अभी आप बोलेंगे ना, आपने कॉल किया था बीप के बाद, 2 दबाया। किस लिए दबाया आपने? अरे कॉल आया था ना कि अगर 10 दिन में आपको 2 लाख रुपए कमाने हैं तो। अच्छा, वो स्कीम है। एक मिनट रुकिएगा, आपका लाइन जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? हेलो, हेलो, हाँ जी, आप बताएं। जी हमारे तो सब ठीक है, आप बताएं। अरे भाई साहब, अभी तो फोन आया था ना, फिर मैंने बीप के बाद 2 दबाया। किस लिए दबाया था आपने? हमने 2 दबाया था। नहीं मतलब किस लिए? 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो। अच्छा, तो गलत डिपार्टमेंट में आया। रुकिए, मैं आपको सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करूं। जी एक मिनट रुकिए। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। अरे भाई साहब, कॉल ट्रांसफर हो गया 3 बार। वो आपके यहाँ से एक स्कीम चल रहा ना कि क्या था यार, भूल भी गया मैं। 10 दिन में अगर कि 10 दिन में अगर आपको पिंटू मोजा सुखा दे मेरा। हेलो, हाँ भैया, क्या बोल रहे? बोलिए। आपके यहाँ से कॉल आया था कि 10 दिन में अगर आपको 5 लाख रुपए कमाना है तो उसके बाद 2 बजे तो दबाया ना भाई साहब ने। आपका जो नंबर है सर, वो गलत जगह ट्रांसफर हो गया। डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता सर, सही डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ही चल रहा सर से। रुको 2 मिनट रुको, बहुत की जिंदगी बदल दी हमने। ट्रांसफर करो, सुना ही नहीं जैसा। ट्रांसफर करो जी जी जी। तो ऊंचा बोलेगा सर, ट्रांसफर कर दो। अरे करो यार ट्रांसफर, कितनी बार बोलूंगा तो करोगे? अभी कर देते हैं। हेलो, मेरा नाम आशुतोष है। आपके यहाँ से कॉल आया था और उसमें एक मैसेज था कि 5 लाख रुपए कमाने हैं तो ये 2 घंटे ट्रांसफर चल रहा है, ट्रांसफर चल रहा है कि माने डिपार्टमेंट। आशुतोष, आई बी ट्रांसफरिंग योर फोन टू द करेक्ट डिपार्टमेंट। ओके, 4 बार ट्रांसफर हो जाएगा, मजाक कर रहे हो क्या? इफ यू रियली वांट टू नो हाउ टू अर्न 5 लाख रुपीज इन 10 डेज, देन यू हैव टू गो थ्रू समथिंग। ओनली ट्रांसफर, 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 ट्रांसफर राइट डिपार्टमेंट। हाँ जी बताइए। बताइए क्या है सिस्टम? क्या आज का सिस्टम जी? बड़े ही एजुकेटेड है, बड़े सोफिस्टिकेटेड आदमी ने मुझे सुनाया कि भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत पैसे देके रखे हमने उसको, कंपनी का बड़ा खर्चा हो गया। हाँ जी बताइए। आपके यहाँ से कॉल आया था और कहा कि बीप के बाद 2 बजे दबाइए अगर आपको 10 दिन में 5 लाख रुपए कमाना है तो। आज ऐसा है कि आप बीप का मतलब 2 दिन में आप 10 लाख कमा सकते हो? हाँ, कैसे कमा सकता हूँ बताइए तो सही। फालतू की चीजों में अपना दिमाग ना लगा करके, मतलब आप फालतू की चीजों पर ध्यान दे रहे हो कि मतलब 2 दबाए तो 10 लाख कमाए, 3 दबाए 10 लाख कमाए, ट्रांसफर, ट्रांसफर, सब पे विश्वास आपको ये नहीं करना चाहिए इंसान को, मेहनत पर भरोसा रखें। अच्छा, फालतू के फोन ट्रांसफर में 1 दबाने 2 दबाने में बर्बाद ना करें। बात तो आपकी ठीक है। प्रवीण बोला हूँ, रेडी फॉर 93.5। हेलो, ये वाला मैडम आपके आपके कितने आपके 2 देने 10 देने ये लुटिया माल 10 करते 10 करते। 1200 में 1200 में मैडम 1 सेकंड आपका देर से, 1 सेकंड एक तो फोन कर दिया, ये बड़ी बात नहीं है क्या? 1 सेकंड, एक आपसे पहले एक खड़े हुए हैं, 1 सेकंड आपके 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 दो दो कर रहे हैं आपके 12 ये 12 करा रहा हूँ मैडम, 1200 का 200 में 1200 का 200 में 5 5 इनके, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अरे सुनो मेरी बात। हाँ हाँ बोलिए, मेरे करवा दो। दो मैडम आपसे पहले जो बैठे हुए हैं उनका नहीं कराऊं मैं, हैं बेकार में आप। 1 सेकंड रुके, ये 1200 का 200 में 1200 का 200 में आ जाओ भाई साहब, आगे चेक करो, चेक करो सब बस। सुन ली ना मेरी बात? हाँ जी बोलिए। क्या लेस रहा है? 2 करा दे मेरे, इतनी देर से बोल रही हूं। 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। येलो वाला, पीला वाला? आपके पीले 2 पीले कर दो इनके, 2 पीले कर दो। मेरे भी तो करा दे पीले। अरे अरे 1 सेकंड मैडम आपका, 1 सेकंड रुक जाइए। 1200 का 200 में 1200 का 200 में 1200 का लुटका 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 बाल, छोड़ो इसके बैक कर, भाई सबके बैक कर। लाल वाले आपके, लाल वाले करने हैं, लाल वाला कर दो इनके। अरे भैया मेरे, मुझे भी लाल चाहिए। अरे 1 सेकंड मैडम, 1 सेकंड, 1200 का 200 में 1200 का 200 में लास्ट है, लास्ट है, बैक कर रहा हूं, बैक कर रहा हूं। 1 सेकंड मैडम। हाँ जी, खत्म हो जाएंगे जब कराओगे क्या? मैं इतनी देर से बोल रही हूँ। मैं तो कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, 1 सेकंड इनको निपटा दूँ, इनको निपटा दूँ। मैडम आपने, आपका पेमेंट कैश है? कैश, छोड़ो 200 रुपए इनके। मैं
ऑफलाइन करूंगी, मेरे करा जल्दी करा। ऑनलाइन ले लेंगे, ऑनलाइन ले लेंगे। ये 1200 का 200 में, 1200 का 200 में ले जाओ, ले जाओ। ये 1200 का 200 में। अरे मेरे करा दे दो, खत्म खत्म हो जाएगा। मैडम एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। एक को आपको मैंने फोन कर दिया, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। नहीं बात तो सुन लो, मैं किसी को फोन नहीं करता हूँ। ये तो स्कीम चल रही थी, ये भारी झूठ थी। मैंने कहा चलो बहन जी को फोन कर दो। अरे तो जो पहले आए हुए हैं दुकान पे उनको तो कर दूं मैं, पहले जो आए हुए हैं उनको तो कर दूं। आप तो ऐसे कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो यार। अरे तो उनको नहीं दूंगा, एक सेकंड मैडम, उनको नहीं दूं मैं। इतने पहले से वो ग्राहक नहीं है। मुझे कब देगा? मैं दूंगा अभी 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 दूंगा मैं। आप लाइन में रहो, आप फोन मत काटना, वो फोन मत काटना वरना खत्म हो जाएंगे सारे। हाँ फोन मत काटो आप, मैं अभी दे देता हूँ, अभी देता हूँ मैं। 1200 का 200 में दे रहा मैडम, दे रहा हूँ 1200 का 200 में। लुड़का माल 1200 का 200 में। ये हो गया माल 1200। भाई साहब आपको भी दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, इधर आ जाओ। हाँ सर सब मिल रहा है मैडम, एक सेकंड। हाँ जी आ जाओ, ले जाओ ले जाओ। आखिरी पांच पीस, नीले वाला। हाँ जी आपका। हाँ जी हाँ जी, मुझे नहीं मिलेगा। पांच पीस है अभी, पांच पीस पड़े, पांच में से तीन आपके। तो आपके करने हैं? हाँ, 1200 का 200 में मैडम, लास्ट के दो पीस हैं। करा बैक। दोनों कर दूं? हाँ दोनों करा। दोनों इनके कर दो मैडम, के ऑनलाइन पे कर देंगे, इनके कर दो। अरे है क्या बता दे, 5 मिनट से भौंक रहे हो तुझे मैं। रजाई 1200 की जो रजाई है 200 में दे रहे हैं, 200 में ले। हाँ 200 में रजाई। लुट गया माल 1200 का 200 में। बाय मैडम, गर्मी में बेच रहे कम्बल। हेलो मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं से बोल रहा हूँ। मैडम आपकी कार की सर्विस ड्यू थी तो मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ। हम लास्ट टाइम भी आपने जो भिजवाई थी तो उसमें कुछ फ्यूल इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, तो गाड़ी आप भेज दीजिए सर्विस के लिए। जी, एक्चुअली अभी मेरा ड्राइवर जो है वो आउट ऑफ टाउन गया हुआ है, तो वो 2-3 दिन में आ जाएगा, मैं तब भिजवा दूंगी गाड़ी। ओके थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे मैडम, 2 या 3 दिन में आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे फाइल बना दूंगा 2 या 3 दिन में। अभी तो उनका पक्का है नहीं, एज सच कुछ बोल के गए नहीं है, बट आप एस्टिमेट ले लीजिए ना, दो दिन। तो वहाँ कहाँ गए मैडम, कहाँ गए? वो यूपी के साइड गए हैं। यूपी के साइड गए? अच्छा। तो यूपी के साइड किस जगह एग्जैक्टली गए? फरुखाबाद। कितने बजे निकल लेंगे फरुखाबाद से? अरे मतलब नहीं, मैं यहाँ पे फिर फाइल बना दूंगा ना, अंदाजन बता दो कितने बजे निकल लेंगे फरुखाबाद से। यार मुझे कैसे पता होगा, वो गए होंगे अपने हिसाब से 3-4 बजे, जब भी मैं थोड़ी पूछती हूँ। अच्छा गाड़ी से आ रहे हैं, गाड़ी से गए बस से गए? यार मुझे नहीं पता, बस से गए होंगे। अच्छा बस से गए, कौन सी बस से गए, कब तक आ जाएंगे, कौन सी बस से गए? फरुखाबाद तो यही चलती है ना, यूपी रोडवेज। सर आप मेरी बात सुनिए, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ 2-3 दिन में गाड़ी भिजवा दूंगी। अच्छा किसके हाथ भिजवाएंगे आप, ड्राइवर के हाथ भिजवा देंगे ना? जी अच्छा, वो वापस आएगा तो मैं भिजवा दूंगी। तो जब वो आ जाएंगे तो कितने बजे निकल देंगे घर से, ताकि मैं यहाँ पे फाइल बना दूँ? मतलब आपके घर से कितने बजे निकल लेंगे ये? यार अब मैं ऑफिस में हूँ, आप क्या कर रहे हो ये? नहीं मेरे को बस ये बता दो ना, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, फाइल बनवानी है। जब आप ये कह रहे हो ड्राइवर आएगा तो ये कितने बजे निकल लेगा गाड़ी लेके आपके पास से हमारे? मैं आपको दोपहर पे भिजवा दूंगी। दोपहर में कितने बजे, 2:30-3 बजे के रखो, बीच में 2 बजे के करीब। कौन से रूट से आ रहे हैं ये? आप लाजपत नगर रहते हो ना, रिंग रोड? मुझे नहीं पता। मैं ड्राइवर आएगा मैं उसी से बात कर लेना। अच्छा कितने बजे बात कर लूँ उनसे जब ड्राइवर आएगा, तो सुबह से लेकर शाम तक का कोई टाइम? क्या कर रहे हो, मैं आपको 3 बार बोल चुकी हूँ, मैं ऑफिस में, मेरा बॉस चिल्ला रहा है। आप पता आप कौन से ऑफिस में मैडम, कौन से ऑफिस में हो आप? मैं आपकी कॉर्पोरेट ब्रांच में हो या गुड़गांव वाले में हो, किस में हो आप? मैं हूँ डिजिटल। देख रहे हैं आप डिजिटल एज अ व्हाट देख रहे हैं, क्या आपका डिजिग्नेशन क्या है? मैनेजर हूँ मैं। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर या मैनेजर? मैनेजर। भैया फोन रख दीजिए यार प्लीज, मेरे हेड आ गए। ये किस चीज के हेड है, सेल्स के हेड है या डिजिटल के हेड है जो आए हैं? मैं नहीं कर सकता। क्या नाम क्या है, बॉस का नाम क्या है मैडम? बॉस का नाम क्या है? संजय नाम है। संजय ये कहाँ रहते हैं, संजय कहाँ रहते हैं, संजय कहाँ रहते हैं? मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी भी नहीं सर्विस करवानी यार, आप फोन काट दो। अच्छा आपको गाड़ी क्यों नहीं सर्विस करवानी, क्या ठीक हो गई, पहले कहीं करवा ली आपने? भैया इतनी देर से तमीज से बात कर रही हूँ तो आपसे झेला नहीं जा रहा है क्या? मैं यही पूछ रहा था, बदतमीजी से भी बात करते हैं तो मैं यहाँ फाइल में नोट कर लेता हूँ ना, एक आदमी सिर्फ तमीज से बात करता है, एक आदमी सिर्फ बदतमीजी से बात करता है। चलिए मैं फोन काट देता हूँ यार, मैं फोन करता हूँ, जहाँ चाहे सर्विस करवाओ यार, मैं तो मुर्गा बना, मैं सुन भी नहीं रही यार। ठीक है बाय मैडम, बाय। हेलो आई वांट टू से समथिंग, आई लव यू, व्हाट द हेल, माय गर्लफ्रेंड, आई लव माय गर्लफ्रेंड एंड आई हैव अ गर्लफ्रेंड।
ओके तो मैं क्या करूँ? करना भी नहीं है कुछ, ही हैज अ गर्लफ्रेंड, मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, गो टू हेल, मुझको क्या करना? हेलो हेलो, कुछ कहना है आपसे? या मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, एंड आई हैव अ गर्लफ्रेंड। पागल हो गए हो क्या तुम? एक्सक्यूज मी, तुम चिल्लाओ मत, समझ नहीं आ रहा उसकी गर्लफ्रेंड है तो मैं क्या करूँ? तो करना भी मत, करना भी नहीं है, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हाँ दूर ही रहो, दूर और दूर रहो। इसका तो हो गया, तो बड़ा गई दूसरे को करो। हेलो, वन सेकेंड, यू होल्ड ऑन, इसको बोलो आई हैव अ गर्लफ्रेंड और खड़ी हो यहाँ पर। दैट्स गुड, इवन आई हैव अ बॉयफ्रेंड। तो उससे बात करो ना, यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मुझसे क्यों बात कर रही हैं आप, जब तुम्हारा है तो तुम अपने वाले से बात करो। पागल हो गए हो क्या? किसी और को फोन करो ना। तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम क्यों सुन रही हो हमारी बातें? हेलो, हाय हाय, मैं बहुत दिन से एक बात करना चाह रहा था। नहीं सनी नहीं हूँ। तो फिर कौन हो? क्यों किया फोन? ये बताने के लिए कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, ये बताने के लिए, बहुत दिन से सोच रहा था बता दूं, आई हैव अ गर्लफ्रेंड और ये रही, बोल रहा तुम। हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल रहा? मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड। तो मुझे क्यों फोन किया? यही बताने के लिए कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो मेरे को क्यों बता रहे हो फिर? तो फिर किसको बताएं? या तो आप बता दो किसको बताएं। अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ, मेरे को उसको तो बता ही दिया, उसको तो बता ही दिया मैंने ना, उसको मालूम है। किसी और को जाके बताओ, मेरे को क्यों बता? किसी और को बता देते हैं, ठीक है, बुरा क्यों मान रही हो? हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। मजे हैं यार तुम्हारे। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी टैग करो सबको और बता दो यू हैव अ गर्लफ्रेंड। हेलो, बात करने दो यार। नहीं बात करने, नहीं आप छोड़ो अभी, नहीं छोड़ दो आप अभी, नहीं मेरे को छोड़ दो आप, नहीं मैं नहीं बर्दाश्त बर्दाश्त किया तो किया यार। हेलो, बैठ के बात कर ले, बैठ के सुन लो, बताओ आप, एक सेकंड बताओ, मेरी गलती है इसमें, बताओ आप, नहीं बताओ आप, मेरी गलती है, मेरी गलती है। अरे भाई तो मुझे बताओ क्या क्या हो गया, साथ में कितना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया? बताओ आपकी वजह से मैं कौन हूं मैं? थोड़ा रिकॉर्ड रख लो यार, कब से जानते हो क्या रिकॉर्ड करो? बात तो सुनो, मैंने बात सुनी है, क्या बात करो? एक बार मेरे ठंडे दिमाग से बात सुनो, पिछली बार मैंने रोका था, जब कोई बताएगा क्या हो गया? और आप अगर पांच मिनट में नहीं मालूम, मैं ताईजी को बुलाऊंगा, कौन है इंसान इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? हेलो, हेलो, नहीं मैं तो छोटा यार, आपकी बात मानी है मैंने, भाई की बात क्या मानू, आपकी बात मानता हूँ मैं। अरे कौन ये पागल हो रहा, कौन क्या हो रहा है? अरे बात करो यार, मेरी बात करो, क्या हो गया यार? ठंड रख, नहीं मैं ठंड रख रहा हूँ, मैं कराऊंगा सॉल्व। हेलो, आप करवाओ, मैं करवाऊंगा, बात खत्म, आप करवाओ। नहीं नहीं नहीं, उसने आप सुन तो लो मेरी, आप कौन हो बोला उस दिन, इसने क्या कर रही है? अरे मैंने क्या बोला? तलवार निकालो भैया, तलवार निकालो, तलवार निकालो, बात समझ, तलवार निकालो आपने, मैं होश मत गवा, बात समझ, मैं होश नहीं गवा, इसने ऐसी बात कैसे करी? नहीं नहीं नहीं, इसने ऐसी बात कैसे करी? एक बार हम ठंडे दिमाग से बात करते हैं उससे, ठीक है, आराम से, आराम से, ठंडे दिमाग से। तू पानी पिला यार, पानी पिला, पानी पानी ले, पानी लेके आओ, भैया जी को संभालो आप, आराम से, भैया जी को संभालो, और सुनो आप पापा को कुछ बताना, जो हुआ पापा को मत बताना, बस बस यही पर रहेगी बात, ठंड रख, मैं ठंड रख रहा हूँ, लेकिन इससे बात करो उस दिन कैसे कहा? आपको बताएगा हुआ क्या है मेरे से? आप ही पूछ रहा साला क्या हुआ? एक मिनट चुप करना यार, पानी पी रहे हो आप ही, क्या कर रहे हैं? अरे यार आप ही चुप हो जाओ ना, देखो क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ ना, बस 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 बस, जब देख रहे हो उसकी हरकतें, अरे तेरा बीवी बढ़ जाएगा, तभी थोड़ा मत, 15 दिन से देख रहा हूँ, 15 दिन से देख रहा हूँ, बस बस भाई होता, अरे 15 दिन से क्या देखा तुम लोग? चाचा जी को मत बुलाना, मैं घर में चाचा जी को नहीं देखना चाहता,
मैं चाचा जी को देखना नहीं चाहता भाई। बस 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 आराम से। क्या कमाल है यार, आराम से बात कर। सिचुएशन संभाल, तू गुस्सा मत कर, मेरी आवाज जा मत ना, देख रहा भाई। तो भैया क्या सिचुएशन है, मेरे को कोई बताएगा? नहीं रहा चाचा जी, बात नहीं आपके सामने। हाँ भाई, हेलो हेलो। हाँ भाई, मैंने आपसे अभी 5 दिन पहले रोज फोन करके कहता हूँ सर, वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपको लोन तो नहीं चाहिए, क्या बोलते हो आप? मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए यार, फिर आप कहते हो ठंड रख, कैसे नहीं चाहिए आप लोग? मैं ठंड रखूंगा, लोन दिलवाओ। आप लोन लेके खत्म करो ना यार, लोन लेके खत्म करो, भाई को गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है पागल है। भाई वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दो, लोन लेके बात खत्म। अबे नहीं ले रहा मैं लोन, नहीं कोई लोन नहीं के। एक मिनट, आप लोन लेके खत्म करो ना बात, भाई लोन ले लो, थोड़ा सा लोन ले लो, ले रहे भाई, नहीं लेना मेरे को लोन यार। यार भाई कार्ड ले लो, कार्ड ले लो, कार्ड दिलवाओ, कार्ड ले लो भाई, ऐसे ही बैठे हैं, कार्ड दिलवाओ भाई, कार्ड ही ले लो, कार्ड ले। पहले पागल हो गए, आप कह रहे हो ठंड रख। हेलो, इस तरीके से जो है प्रजातियां बढ़ती आ रही है, बढ़ती जा रही है, आपको आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल क्लियर आ रही है भाई साहब। हेलो, हाँ अंकित जी नमस्कार। और सर कौन जी? मैं जी बउआ जी, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए नव युवक। कहाँ जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं, तार तो जुड़ चुके हैं, एक बड़ी अच्छी सी चर्चा होती है पूरे हफ्ते, हम लोग इस चर्चा का इंतजार करते हैं, जहाँ पर एक एक्सपर्ट बैरागी जी और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। चर्चा वैसे ही प्रदोष व्रत के बाद पड़ी है, तो इसका अलग अलौकिक सुख है भाई साहब। अरे भाई मुझे क्यों घसीट रहे हो? एक मिनट लगेगा भैया, रैंसम वेयर जैसा इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है, 150 देशों की चपेट में। आपको पता है इस बारे में? समाज को आईना दिखाइए, बांधना है सुना है ना रैंसम वेयर क्या है, इसी बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे बैरागी जी, तुरंत शूट करिए। देखिए सबसे पहले इस वायरस का एक व्यक्ति, इसका नाम मैं क्या ही बताऊं, हैंडसम फेयर लगा करके वो गया एक सिस्टम में, सीपीयू में बैठ गया। अच्छा, और भाई हैंडसम फेयर लगा करके सीपीयू में बैठ गया और वहाँ पर सीपीयू में लगे एग्जॉस्ट फैन के पंखे से उसकी मौत हो गई। तब से पूरी प्रजाति है, जो एक प्रजाति की सबसे खासियत है कौवे से जुड़ी हुई प्रजाति है। हाँ यही बात कर रहा हूँ। एक सेकेंड, हैंडसम फेयर कौवे से कैसे जुड़ी है? क्योंकि कौवा हमेशा क्या कहता है आप बताइए? कहाँ मतलब वेयर डर यू कहाँ है? तो ऐसे ही इस वायरस के बारे में कोई बता नहीं पा रहा है कि कहाँ है, क्योंकि रैंसम वेयर यानी कहाँ है? तो भाई ये बंदा कौन है यार, आप कौन हो भैया? ये बैरागी जी, गलत बोल रहे हैं आप बहुत गलत बोल रहे हैं भाई साहब, नहीं सुना जाएगा क्योंकि कौन बात। रैंसम वेयर का एक भाई है फुटवेयर, जो सर पे पड़ जाता है, घूमता हुआ आता है स्लोमो में। ये बैरागी जी, इनका नाम क्या है? बगुला ठाकुर हमारे। आप बगुला ठाकुर है? फोन काट दे, खत्म कर बात, तू करके बात मत कर। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बंजालिया के बेढंगपुर के एक इलाके में, निचड़ो है नींबू चेहरे पे मलकर निखार लाने वाली है बेगम अजवाइन अलवी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अजवाइन अलवी बट एफसी रॉकिंग नहीं होता। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, मैं इस वक्त एक मंच पे खड़ा हूँ, पर्दा हटने ही वाला है। अच्छा, मेरे सामने एक माइक होगा। अच्छा, सामने जनता होगी। तो बोल बन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे एक सम्मान मिला है। क्या का सम्मान? एक सेकंड रुकिए, पर्दा हट गया है। शुक्रिया एवरीवन फॉर क्लैपिंग, प्लीज तालियां से शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर मेरी हौसला अफजाई। मुझे सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। भी कोई सम्मान दे? एक सेकंड रुकिए ना प्लीज भाई साहब, मेरे को इनके सामने दो शब्द बोलना है, मेरे को ज्यादा बोलना आता नहीं, मदद कर दो मेरी, मैं दो तीन लाइन लिख के आया हूँ, आप बस उसमें थोड़ा सा चलिए। नमस्कार, शुक्रिया, चुप हो गए यार, आपकी आवाज में तो तेल में जादू, सॉरी आपकी बोल में जादू है। वाह, मेरे तो बता नहीं किस में जादू है। एक मैं इनसे भाषण, आप सबका मैं मन से, दिल से, तन से, और क्या से? क्या हुआ, तुरंत तालियां बजने लगी? नहीं, दिमाग से स्वागत, तालियां बस, इन सब से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप सब लोगों को देखो नहीं
खुश बनाकर नहीं सर जी, आज मुझे जो हासिल हुआ भाई साहब प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा मत बोलिए, मेरी हंसी छूट रही है माइक पे। आप लोगों ने मुझे गैसे जो गाइडेंस दिया है पैसे प्यार दिया है उसका मैं शुक्रिया, तालियां बंद करिए प्लीज। इसके अलावा मेरे माँ बाप को भी आज हेलो, तेरे माँ बाप को शर्म आ रही होगी आज के तू पैदा हुआ प्लीज आप गलत बोल रहे हैं, बस करिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा करियर इतना लंबा हो, इतना लंबा, इतना लंबा जितना लंबा अमिताभ बच्चन का, अमिताभ बच्चन का क्या करियर करियर है। आप गलत आदमी, सोच बदलो हिंदुस्तान बदलेगा, गलत बोल रहे। इसलिए मैं जाते जाते आप लोगों को कहना चाहता हूँ आप सबकी अरे चुप क्यों हो गए भाई साहब, बजाब हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते, हेलो बोलिए बोलिए बोलिए। कह रहा था मैं और मेरे एक दोस्त है, हम लोग ने घोड़ा खरीदा। क्या समझ आ नहीं, क्या कह रहे भैया? हाँ घर से घोड़ा। अच्छा घर से, मैं कुछ और समझ गया था। भाई गॉड, आप पर वो है भाई साहब। क्या है वो? था ना ल से। हाँ है वो मेरे पास है ल से। नहीं नहीं लानत है आप पे, वो बोल रहा हूँ। मैं कह रही थी मेरे और मेरे दोस्त ने घोड़ा खरीदा, फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरा घोड़ा मेरे दोस्त के घोड़े से अलग होना चाहिए। अच्छा तो मैंने अपने घोड़े की पूंछ काट दी। अच्छा फिर तेरा घोड़ा अलग हो गया? नहीं सुन तू, फिर मेरे मोहल्ले के लड़के इतने वो हैं, हर से क्या होता है नहीं अमाड़ा है अमाड़ा। अरे हर से अमाड़ा कैसे हो सकता है? हर साइलेंट ना भाई, एच अमाड़ा। सॉरी सॉरी, तो इतने अमाड़ा है ना कि उन्होंने दोस्त के भी घोड़े का पूंछ काट दिया, फिर वो एक जैसे दिखने लगा। अच्छा फिर मैं अपना घोड़ा, मैंने उसका एक कान हटा दिया। एक? हाँ। अच्छा कैसे कान है ना, तो मेरे मोहल्ले के लड़के इतने हर से वो है हमारा कि उन लोग हाँ साइलेंट है ना हमारा, इतने हमारा है कि उन लोगों ने उसके घोड़े का भी हटा दिया कान। फिर मैंने कहा ये नहीं हो, फिर मैंने सेलो टेप से अपने घोड़े की आंख बंद कर दी। सेलो टेप से? हाँ। फिर मैंने सोचा मेरा अब अलग हो जाएगा घोड़ा, फिर पता हाँ। उन लोगों ने क्या किया लड़कों ने? क्या किया होगा? तो उसकी भी आंख बंद कर दी होगी लड़कों ने। हाँ, और ये लड़की क्या है? अब आपने समझा है, पहले आप बोल रहे थे हाँ से नहीं, ठीक है। तो इस बार मैंने घोड़े के अपने दांत ही हटा दी, तीन चार दांत तोड़ दी। मैंने कहा अब अलग हो जाएगा, वो लड़कों ने उस दोस्त के भी अच्छा घोड़े के दांत तोड़ दिए। दांत तोड़ दिए और वो सारे के सारे मोहल्ले के लड़के हंस है। अच्छा हमारा। इस बार मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने बोला भाई अब नहीं सहूंगा मैं। अच्छा काला घोड़ा तेरा सफेद मेरा, बस बात खत्म। अरे के पहले ही अलग दिख रहा था तो नक्शा क्यों किया तूने? एक सेकंड, यही तो जोक है भाई साहब। इस जोक को करते हुए किसी भी जानवर को किसी भी तरह का ए से हार्म यानी हानि नहीं पहुंचाई गई है। अबे ए से हार्म कैसे होता है? ए साइलेंट है ना हार्म में। तेरी तेरे को मैं हाथ से एक बात बता। हाँ बोल। घोड़े के तार कितने थे? क्यों क्या करेगा, ब्रश करेगा क्या उसके? से तेरी नाक चबा लेगा। अब मैं गाय से तेरा कान चबा दूंगा। गाय से कान नहीं होता है, कर से कान होता है। चलो बात करते। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप, मेरी कौन बोला? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ, बोला था। तो इसलिए फोन किया, आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, तीन दिन बाद बात हो जाएगी। ना ना बोल बोल भाई बोल बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ? Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पर डाल दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं वो हमारे मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उसपे। बताओ बताओ बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था हाँ? उसका जो डेबिट कार्ड है आपका हाँ? उसका एंड में नंबर 783 है हाँ? और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था आप जो बता रहे थे, आपका कॉल होल्ड पर है,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है। हाँ, उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? फोन टच हो जाए गाल से। गाल से आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की बात कर रहा था, 5,000 की, ये बता। उसमें से जो बैलेंस है उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया, तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना। एक बार मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, क्या बात है? क्या रस है आपके? हेलो में एक रस है। रस नीम का है। नीम का? बड़ा टेंशन है आज जिंदगी में भाई। मैं बहुआ बोल रही हूँ। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे घटनी 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया। मंडे मंडे तो और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा टेंशन हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछते हैं, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लो। मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने गए, पपड़ी मांगते हुए भी शर्म। बस काट प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा अच्छा, क्या घंटा? अच्छा टेंशन है, मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा, तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा, आप देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ, जा जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रस्ते में खराब हो गई लड़की। अच्छा, फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोले तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा, इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा, फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरे टेस्ट किए तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन पहुँच भी नहीं सकता। बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं? है कि नहीं? अब ये रख दे। अब एक्सीलेटर पे तेरा पॉइंट तो बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख दे बस। हेलो।